कृष्णा राधे राधे कृष्णदासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे, कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये फाइनल शॉपिंग जो थोड़ी बहुत रह गई थी तो मैंने कहा इसका भी आज दिखा दूँ आपको। तो जो फाइनल शॉपिंग है वो मेरी हो चुकी है, अब इंतज़ार है ड्रेस का। जैसी ड्रेस आ जाएगी और उस हिसाब से मैं मतलब इनको तैयार करूँगी, इनका जो विराजित करूँगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग है जो मुझे लग रहा है थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, तो अच्छी ही लगेगी आपको। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करना। जय श्री राधे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये लिया है बोरला। ये देखिए ये मैंने लिया है बोरला और माथा पट्टी। ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। देखो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इस तरह से आ जाएगी ऐसे, या तो आप सीधे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। ये देखिए तो ये है माथा पट्टी बोरला। अब ये साइज़ तो अपने हिसाब से करना पड़ता है, बट ज़्यादा बड़ा भी ठीक है ऐसे तो हम लोग चाहे हम इसे तगड़ी बना लें, लेकिन ये है कि मुझे तो बोरला ही लगाना है, उनके मांग टीका लगाना है। तो एक सिंपल वाला भी है, लेकिन मेरे को ये था कि अगर मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा ये भी डिमांड आ रही है कि पहले दिन आप दुल्हन वाला मेकअप करना, उनको पूरा दुल्हन बनाना, तो मैं कन्फ्यूज हो गई हूँ। इसलिए फिर मैं मार्केट गई और फिर इस हिसाब से मुझे इशू करा, ये मिला मुझे अच्छा लग रहा था तो ये मैं लाई हूँ। और दुल्हन वाला मेकअप ही सब बोल रहे हैं, तो इनकी इच्छा हुई तो फिर रेड ड्रेस बनवानी पड़ेगी, तो रेड मैंने बोल दिया वैसे तो। तो ये है माथा पट्टी, ठीक है, सुंदर लग रही है ना। तो एक ये मैंने ली थी अपने यहाँ से, ये बोल तो ज़्यादा गिरा था लेकिन मेरे को, मैंने उनसे ले ली थी कम में ही, मतलब समथिंग 180 के करीब मैंने ले ली थी, क्योंकि और भी कुछ लिया था। तो ये है, ठीक है। और मेरे को, मैं बहुत जगह पूरे मार्केट में घूम ली, मुझे ऐसे गजरे नहीं मिले, लेकिन एक जगह से मिल गए जहाँ से मैंने ये माथा पट्टी ली थी। ये देखिए कितना पतला सा और इतना अच्छा है राधा रानी को लगाने के लिए। थोड़ा सा बड़ा वाला लिया है मैंने, ये देखिए गजरा। तो ये गजरा, ये देखिए ये गजरा मुझे मिला 40 रुपये में। ये छोटा गजरा लिया है जैसे जूड़े पर लगाने के लिए, गिरा ये भी इतने का ही है। तो ये दो गजरे हैं, मैं एक और एक ये दो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई चलो मिल गया। और एक मैंने ये इस तरह से ले लिया था, पता नहीं क्यों अच्छा ही लग रहा था मेरे को, मैंने कहा कभी सॉफ्ट सा लगाने के लिए तो ये लिया था। ये शायद 25 या 20 ऐसे था। तो एक ये है और एक मैंने ये पिन का लिया पत्ता, पता नहीं क्यों मुझे, वैसे तो मेरे पास है लेकिन मैंने राधा रानी का सोच के ले लिया, मैं कई बार जरूरत पड़ जाएगी उनकी, ऐसा लग रहा है शादी की शॉपिंग मेरी हो रही थी कान राधा रानी की, आज वो कंप्लीट हो गई है, बस वो लहंगा वहंगा आने की देरी है बस। जैसे आता है ना लहंगा, अब यहाँ भी लड़के वालों को यहाँ से तो लहंगा आने की देरी है, बाकी सारी शॉपिंग हो चुकी है। और ये बिंदी कुछ और ले आई थी मैं, ऐसी अच्छी लग रही थी तो थोड़ी छोटी लाई हूँ, पहले थोड़ी बड़ी लाई थी तो अब ये थोड़ी छोटी लाई हूँ। तो दो ये है और उनके कलीरे मेरे को नहीं मिले तो मैंने सोचा ये लगाऊंगी। ये देखिए तो ये कलीरे जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल, तो ये लाई थी मैं 30 रुपीज़ के। ये देखिए तो ये मैं उनके कड़ों पे लगा दूंगी ताकि उनके हाथों में कलीरे जैसे नई दुल्हन के लगते हैं ना वो लगेंगे, है ना। सारा सामान आज कंप्लीट हो गया लेकिन ड्रेस नहीं पहुँची, डिलीवरी इतनी लेट होती है। ये देखिए जब इनकी इच्छा होगी ना राधे रानी की, जब भी इन्होंने तैयार होना है तो आप पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, मैं भी रख के बैठी हूँ। और अभी तो मैं डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत करनी है, मैं बहुत थक गई हूँ लेकिन घूम घूम के। तो एक ये है और बहुत लोगों के मेरे पास नंबर भी आ रहे हैं कि आप यहाँ से ड्रेस लो वहाँ से ड्रेस लो, लेकिन मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ रिस्पॉन्सिबल प्राइस में, ताकि फिर ये होता है कि हर बार ही ड्रेस बनवानी है, नहीं कि एक ही बार लेनी है और बहुत महंगी महंगी ड्रेस ऑनलाइन में। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबल प्राइस मिल जाए। बाकी मिले भी हैं मुझे एक दो, जिससे मैं ड्रेस बनवा रही हूँ, बट ठीक है एक बार ड्रेस आ जाए फिर देखते हैं। तो ये हैं दो, तो ये लिए हैं और कुछ मैंने हेड के लिए लिए थे, ये इस तरह के बीड्स लिए हैं चिपकाने के लिए, चिपकाओ या फिर कुछ भी कर लो, ये वो बना लो कुछ भी बना लो। तो इस तरह से ये बीड्स हैं, ये देखिए कलरफुल अच्छे, बहुत ग्लिटरी हैं, शाइन है। तो ये मैंने 4 पैकेट लिए, 3 पैकेट अलग अलग कलर के हैं,
तो ये मुझे मिल गया 20 रुपये का एक पैकेट 20 रुपये का। इसको मैं बंद ही करती हूँ वरना निकलता ही रहता है। तो एक ये है, एक ये वाइट है, देखो वाइट मतलब इसमें बीड्स भी है और स्टोन भी है। तो ये ले आई थी, लिए थे मैंने। तो ये कुछ बीड्स हैं और एक मैंने नथ भी ली है, नथ टीका। ये देखिए ये नथ ली थी मैंने, ये 150 रुपये की एक नथ है। कैमरे में फ्रंट से उल्टा दिखता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो ये प्यारी सी नथ है, तो ये राधा रानी की नथ है। तो ज़्यादातर तो बिहारी जी का तो खाली ड्रेस हो के चक्कर में ही और कड़ों के चक्कर में लगे, लेकिन श्री राधे रानी है ऐसी बात नहीं है। तो ये है, और कुछ पिन ले लिए थे उनके लिए, तो पूरी वही है मैरिज वाली शॉपिंग है। और एक मैंने ये ली थी क्रिस्टल माला, और मैं सोच रही हूँ एक और ले आऊँ। पहले मैं सोची थी बीच में से ऐसे कट करके, और जैसे राधा रानी की चूड़ी बना लो, चूड़ी भी बन जाती है जैसे हम ऐसे ऐसे लपेट रही थी मैं, तो मैंने कहा ऐसे तो राधा रानी चूड़ी भी बन जाएगी। तो ये वैसे सोच रही हूँ अभी एक और है कि भाई एक और ले आऊँ। अच्छा मैंने आपको इन सब के रेट बता दिए ना, ये मुझे 120 की मिली है ये वाली क्रिस्टल माला। तो 120 बोल रहा था, मैंने 100 ही दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक और ले आऊँ ऐसी, तो दोनों की चूड़ी देखो अच्छी सी बन जाएगी। बाकी अभी देखती हूँ, या तो मैं कढ़ाई पहना दूँगी। तो एक ही है, तो ये मेरी शॉपिंग है थोड़ी सी, जो लास्ट फाइनल शॉपिंग है। अभी मैं कहती रहती हूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ ले आती हूँ जाके। और जो मैंने हेयर बनाए हैं उसकी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। ये मैंने देखो कितनी सुंदर चोटी बनाई है कर्ली, जो ये काना जी के बाल कर्ली वाले थोड़े से रफ ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनकी चोटी बना दी ऐसी। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, फिर भी ये कि एक हाथ की तो है ये। तो इस तरह से मैंने कल ये चोटी बनाई है इनकी। और दो लटे काट ली थी मैंने, वो दो लटे काट के मैंने फेबोन से चिपका दी थी। तो मैंने कहा ये दो लटे हो जाएंगी, बाई चांस साइडों में लगाओ या कहीं भी लगाओ, तो ये दो लटे हैं ऐसे। और ये मैंने स्टफ़ी बनाई थी बीच में, ये देखिए मैंने नेट लाई थी आपको दिखाई थी ना, तो ये लड्डू गोपाल के बाल जो मतलब कि ठीक ही थे, मतलब वो छोटे थे थोड़े, तो मैंने इसमें डाल के स्टफ़ी बनाई। फिर मैंने जूड़ा बनाया ये चोटी बना के, जैसे ये मैंने ऐसे ऐसी चोटी बना ली थी, इसके चारों तरफ बना दी। तो इस तरह से मैंने जूड़ा भी बनाया है। अब कोशिश तो कर रही हूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम होता है ना तो ऐसे ही लगता है। देखिए तो ये मैंने जूड़ा बना दिया, ऐसे लगा दो या फिर ऊपर लगा दो, अब देखो कैसे लगाती हूँ, बना तो दिया है। और जो मैंने बाल बनाए थे वो भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये बाल ऐसे बनाए थे मैंने, ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये लेंथ तो अच्छी है ऐसे, ये देखिए ये ऐसे राधा रानी बनाए जाएंगे। थोड़ा सा सफाई नहीं आई क्योंकि पता नहीं फिसल ही इतने रहे मेरे से, तो बाल बट ही है कि जैसे तैसे बन के मन के चलो चुन्नी आनी है क्या करें। तो ये बाल हैं ऐसे, ये बनाने की कोशिश करी है मैंने, अंदर कॉटन का कपड़ा लगा दिया था बाद में ब्लू कलर का, क्योंकि वो ब्लैक नहीं हो रहा था, तो इस तरह से ब्लू लगाया और पता नहीं लग रहा। तो ये सिल्की बाल है, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, बट जैसे तैसे फ़िलहाल तो बना, कुछ तो बना। तो ये सब मैंने कुछ शॉपिंग करी है, और मैं आपको थोड़ा सा डेकोरेशन का भी दिखा देती हूँ सामान। तो ये आप देखिए, इस तरह से मैं ये फ्लावर लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, ऊपर से दिखाऊँ आपको, ये देखो। तो ये फ्लावर है, बहुत सुंदर लग रहे थे, कितने बड़े हैं। तो ये मैंने सोचा कुछ लगा देंगे, डेकोरेशन से कर देंगे इससे। तो एक ये ले आई थी मैं, तो ये एक पीस 350 का, 350 में एक मिला है, और ये दूसरा है। तो कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैंने कहा चलो साइडों में लगाएंगे, तो ये भी ऐसे ही है, ये देखिए। तो 350 का ये है, 350 का ये है। और अब की बार मैं आपको सबके प्राइस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से शॉपिंग यहीं से करी है इसलिए, और फिर सबको मेरा प्राइस सही लग रहा है तो इसलिए भी। और ये स्टैंड है इसमें लगाने के, जैसे स्टैंड दे रखा है ऐसे, यहाँ पे इसकी ये लग जाएगी, ये
जैसे इसकी ये डंडी होती है ना, इसमें ऐसे डाल दो और ऐसे लगा दो। फिर ये देखो, तो ये स्टैंड अलग से दिया है उन्होंने, 40 रुपीज़ का एक है ये, तो दोनों के ले लिए थे मैंने, तो सुंदर बहुत है। तो इस तरह से ये मेरी राधा रानी की शॉपिंग है। और सीनरी आप मैंने लगा लिया उधर, तो मैं अब जब कभी आपको बाल नहीं दिखाऊंगी, तो ये बाल हैं और बाल कह रहे हैं, बाल याद आ रहे हैं 24 घंटे बाल ही बाल का, मेरे को पहाड़ा याद हो गया, बाल ना हो गया पर राधे के हैं, प्यारी सी राधे के। अच्छा मैं आपको नथ भी दिखाती हूँ। हाय कृष्णा। और ये मैंने 2 कंगन लिए हैं, अब कंगन मैंने ले लिए हैं, अब देखो इनका क्या बनता है। तो बहुत सुंदर है, बड़े बड़े हैं एकदम, देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब इसमें इतना शाइन है कि कैमरा में भी। अब स्टोन है तो चमकेंगे ही वैसे तो। ये देखिए, तो मैंने ये 2 लिए थे, ये 160 के हैं एक पेयर, 160 रुपये के एक पेयर है। और ऐसा नहीं होता, कई बार हम जो चीज़ ले लेते हैं वो दोबारा मिले, क्योंकि मिलती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। कई बार मैंने ये सोचा एक पीस लिया, चलो मैं दोबारा जाऊँ तो शॉप पे नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे हमें पसंद आती है ऐसे और पसंद आती है वो ख़त्म हो जाती है। बट ये किस्मत से मैं 2 ही ले आती हूँ, चलो ठीक है। तो ये भी 2 पीस लाई थी मैं, ये देखिए, तो ये भी एक 160 का है, 160 रुपये का एक पेयर। बट ये इसमें इन कड़ों में ये रहता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हम खोलना चाहें इस तरह से हम तगड़ी बना सकते हैं, और टाइट करना चाहें तो ऐसे करके टाइट कर सकते हैं, बाजू बंद बना सकते हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे तो जैसे राधा रानी कहेगी मैं वैसे करती जाऊँगी, एक्साइटमेंट मुझे बहुत है। बाकी अब पता नहीं कैसे तैयार होंगी, मेरे से मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, बट ये कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बाकी कोई नहीं, आगे आगे एक्सपीरियंस होता ही रहेगा। ये देखिए, तो ये 2 जोड़ी हैं, 160 के वो 160, तो 2 ये ली का है। मुझे कुछ ना कुछ स्टोन चिपकाऊंगी या फिर कानों के लाके तोड़ के चिपकाऊंगी, क्योंकि उनमें हॉल तो है नहीं है। तो ये देखो जय श्री राधे। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, बाल कैसे लगे, और ये फाइनल शॉपिंग है। बाकी अगर मैं कुछ करूँगी तो फिर बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि मैं फाइनल बोल दिया, ठीक है। तो ये फाइनल शॉपिंग है, और ये कितनी प्यारी सी, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा जुड़ा सा। और बाकी देखो कैसे अटैच होता है, क्या करती हूँ कुछ नहीं समझ आ रहा थी। तो ये मैंने स्टफी बनाई थी, और एक स्टफी मैं इससे बड़ी बनाऊँगी, थोड़ी अच्छी लगती है देखना। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे कृष्णा। ये इस तरह से मैंने ये पीछे सीनरी लगाई है, अभी फ़िलहाल मुझे यही मिली, क्योंकि दिवाली पे ही अच्छी मिलती है, जब दूसरी देख लेंगे। और इस तरह से मुझे अच्छी लग रही थी ये, थोड़ा सा मैंने इनके पीछे ये लगाई है, जैसे ये बैठे हैं तो इस इनके पीछे लगाई है,